गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं नवीन कुमार अहाँ सब गोटे के अपन चैनल स्टूडेंट पर हार्दिक स्वागत करै छी। अहाँ सबके संस्कृत में एगो वीडियो देले रही जे में अहाँ सबके पढ़ले रही हम कि अहाँ संस्कृत में से कौन कौन उत्तर प्रश्न करे के है और सारा के अहाँ के जानकारी देली। अब जे बारी है अहाँ सके अब कहली कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में कैसन कैसन सवाल पूछे छै आ उ सवाल के अनुसार अहाँ सके उम्मीद जता के कुछ क्वेश्चन अहाँ सके समझा रहल छी। आ पेन पेंसिल लेके अहाँ सा लेके बैठ जाऊ आ लिखे के शुरू कर दू, काहे कि जब अहाँ एकरा के लिखे के शुरू कर देम आ लिखम तभी जाके होत, काहे कि ई जे क्वेश्चन किताब में नहीं खे ई अपना से एक्सप्लेन कर जाला, संभावना कर जाला, गेस पेपर से, क्वेश्चन बैंक से बहुत साल के एक्सपीरियंस जमा करके अनुभव लगावल जाला का इस तरह के सवाल अहाँ सके एग्जाम में पूछल जा सकेला। तो उ एग्जाम के कैसे कैसे पूछी ओकरा बारे में हम अपन अनुभव अहाँ सके साझा कर रहल छी। कुछ क्वेश्चन आ जे इम्पोर्टेंट बाटे काहे कि हमरा पढ़ावे के लगभग 7-8 साल के एक्सपीरियंस बाटे 10th के, और उ में अहाँ तक हम कहै छी कि हम अपना अनुभव से कह रहल छी कि एक बेर जे क्वेश्चन दे दिली वो एग्जाम में जरूर आयत, ई बात के गारंटी है, काहे कि हम लंबा चौड़ा वादा न कर सकै छी। अहाँ हम सबके विद्यार्थी छी और अहाँ मेहनत करब तो जरूर सफल होब। बिना समय गुमाए हुए पहला सवाल के तरफ बढ़ै छी जेकर नाम है उम्मीद कि पाटलिपुत्र नगर वैभव के सुंदरता के बारे में वर्णन करें। एग्जाम में अहाँ सब जाए तो पहला सवाल पूछत पाटलिपुत्र नगर के वैभव सुंदरता का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र नगर के सुंदरता का अनुभव क्या करें, तो पाटलिपुत्र के बारे में लिखना है पटना का क्या क्या सुंदरता है, तो हम जवाब देंगे पाटलिपुत्र पटना जो है प्राचीन काल से ही अपना महत्व रख धारते हुए आ रहा है, पटना की सौंदर्यकरण पटना की सुंदरता जो है वो मेगास्थनी ने लिखा है कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, अशोक के काल में यह निरंतर समृद्धि रही बढ़ता ही रहा, कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्यमांस में भी बड़ी बड़ी बात लिखी है। आज पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है और उसकी सुंदरता के रूप में गोलगृह संग्रहालय चिड़ियाघर नहीं उसके बाद महावीर मंदिर पटन देवी गुरु गोविंद सिंह का जो मैं सिखों का जो पवित्र स्थल है वहाँ ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह का जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जिस क्षेत्र में जन्म हुआ है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो भी ऐसा चीज़ है जो आप जानते हो गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा हो गया, उसके बाद पटन देवी है, उसके महावीर मंदिर है, संग्रहालय है, गोलघर है, चिड़ियाघर है, जैविक उद्यान जिसको कहते हैं, तो ये सब पटना की सुंदरता, इसी बात को अपने लफ्जों में लिख देंगे। पहला क्वेश्चन पाटलिपुत्र की वैभव की सुंदरता का वर्णन करें, उसी को बदल सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव के पाठ के आधार पर पटना की 5 बारे में जानकारी दे, तो लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र का इतिहास पुराने जमाने से भी अधिक रहा है। मेघासनी ने अपनी पुस्तक एंडिका में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसकी रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, अशोक के शासनकाल में समृद्ध भी रहा। पटना को आज वर्तमान में पाटलिपुत्र के नाम से पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। पटना में क्या है, संग्रहालय है, पटना में जैविक उद्यान है नहीं, पटना में गोल गृहम है, गोल घर है, पटना में उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का मकबरा है, गुरुद्वारा है, मकबरा गलती से बोला गया गुरुद्वारा है, इन सभी चीज़ों को वैभव जो पटना की वैभवता सुंदरता को बनाए रखती है। दूसरा सवाल कौन कौन विदेशी यात्री भारत आए थे, तो मैं आपको पहले ही लाइन जब संस्कृत पढ़ाया था तो बोला था मैं मेगास्थनी विदेशी यात्री मेगास्थनी जो यूनान का था, हेनसोंग फाहियान यात्रा के क्रम में पटना और अपने संसद में पटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। तो कौन कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनी, हेनसोंग, उसके बाद आए फाहियान, ये विदेशी यात्री भारत में आए।
पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों, अगला सवाल जो हो सकता है वो कहता है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें, पटना में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो वाला, ठीक है ना, कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ जाके, समझ रहे हैं ना, तो वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर आप जाके अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस जगह का नाम है सबसे पहले में दर्शनीय स्थल, जिसको आप देखने के मन में सभी को लालसा रहती है कि आखिरकार इतना बड़ा पुल पटना में है, तो उस पुल के बारे में हम सभी को जानकारी ले लेनी चाहिए कि वो पुल है कहाँ, तो वो पुल पटना में है, गांधी सेतु पुल है, और वो गांधी सेतु पुल किस प्रकार स्थित है उसके बारे में हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, उसको देखने की लालसा है। तो पहला दर्शनीय स्थल है पटना का गांधी मैदान, पटना का गांधी सेतु पुल, पटना में चिड़ियाघर है, गोलघर है, संग्रहालय है, इन सभी चीज़ों को, मंदिर है, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा है, ये सारे क्या हैं, यहाँ तक कि माता पटन देवी भी दर्शनीय स्थल है, जिसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। अगला सवाल है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन नाम मिलते हैं, तो प्राचीन ग्रंथों में पटना का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, पुरुषपुर मिलता है, कुसुमपुर मिलता है। अगला सवाल है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो राजशेखर ने अपने चैप्टर, अपने किताब काव्य कूटनीतिनामक में लिखा है, काव्यमीमांसा में लिखा है कि राजशेखर के द्वारा काव्यमीमांसा लिखा गया था, और काव्यमीमांसा में उनके द्वारा लिखा गया कि कवि राजशेखर ने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में सादा स्मरण करते हुए लिखा कि यहाँ वर्षों ऊपर पाननी, पिंगल, व्यारी, वारुणी तथा पतंजलि आदि के महान योगदान देकर ख्याति प्राप्त किया है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जन्मे हैं जो इस पटना क्या है सर गौरव से ऊंचा भी किए हैं। अगला सवाल जो आप सभी को होना चाहिए, पटना सिख संप्रदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि पटना सिख संप्रदाय के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना में गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु, दसवें गुरु थे, उनका जन्म स्थल है, साथ ही वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जिसमें पवित्र स्थान है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसे होती थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था रक्षा वाहिनी उत्कृष्ट था, विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण अपनी यात्रा वृत्तांत में कहा है, मेघास्त्री ने लिखा था कि चंद्रमौर्यकाल का चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पवित्र स्थल जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसकी नगर व्यवस्था रक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अशोक काल में और निरंतर समृद्ध भी रही। अगला सवाल है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते समय समझाया था कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में बताया था कि यह सरस्वती का कुल गृह होगा, यहाँ पर सरस्वती निवास करेगी, लेकिन कहता है कि पटना के संबंध में कहा कि भविष्य में एक पाटली ग्राम होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आगलगी, कोलाहल, बाढ़ से, पानी से डूबा हुआ से हमेशा प्रभावित रहेगा, जो वर्तमान में दिखाई भी देता है। तो इस प्रकार एक और सवाल अगर कोई उत्पन्न हो सकता है तो वो इस प्रकार की, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, एक तो राजशेखर जी लिखे थे और दामोदर गुप्त भी आप एक किताब बनाए थे जिसका नाम था कूटनीतिनामक, उसमें कहा गया है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है, पृथ्वी की तिलक विद्वानों की निवासी असली पटना का नाम महानगर जो स्वर्ग से भी सुंदर है, तो स्वर्ग से भी सुंदर है पृथ्वी, ऐसा कहने वाला कौन था, दामोदर गुप्त, स्वर्ग से सुंदर भी है वो पटना है, ऐसा कहने वाला कौन था, पाटलिपुत्र का जो आया था जिसका नाम है दामोदर गुप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, इससे कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं आपके परीक्षा में, इससे आपका काम चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलें, मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता रहे, और सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेनपुर। थैंक यू।